हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बुलेट स्टैंडर्ड 385 सीसी वाली की। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। तो हमारे पास काफ़ी दूर से बाइक चली गई है, तो इसको हम स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। ये हमारे पास आई है उत्तराखंड से, तो इसकी स्टैंडर्ड बना के हम आपको दिखाएंगे ये फाइनल लुक में ये कैसी लगती है। तो इसके लिए हमने मरगार्ड लिया है, पिछला मरगार्ड लिया है, अगला मरगार्ड लिया है, और पेट्रोल टैंक लिया है, आगे का हेड लिया है इसका, और इसके रिम लिए हैं हमने। आप देख रहे हैं इसमें सिल्वर कलर के रिम है, तो इसके अंदर हमने ब्लैक कलर के रिम डालने हैं सिंपल। तो हैंडल, वायरिंग, इंडिकेटर, साइड के टूल, तो इसके लिए आपको ये सामान लगेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रा है तो आप उसको स्टैंडर्ड बना सकते हो। तो आपके पास कितनी भी ख़त्म से ख़त्म बुलेट हो तो आप उसको स्टैंडर्ड बना सकते हो। तो ये देख सकते हैं हमने इसकी वायरिंग सब चेंज कर दी है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका फाइनल लुक ये है गाइज। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये बुलेट कैसी लगी बनने के बाद। तो ये देख सकते हैं इसके पास अभी हम रविंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रविंग जो थी पेंटर के पास आई है, तो इसकी फाइनल रविंग रह गई है। तो फाइनल रविंग हम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो इसका इंजन देखिए पहले कितना ख़राब था, अब कितना साफ़ हो चुका है रविंग के बाद। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। सो गाइस वीडियो प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो उसके फाइनल में इसके साउंड भी सुनवाने आने वाला हूँ, आप वीडियो में अंत तक के बने रहें। ये सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो विदाउट सेल्फ होती है और इलेक्ट्रा सेल्फ वाली होती है। तो इसके साउंड